दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बेहतरीन सा हाउस प्लान जो 8x22 है, 8x22, और इसको आज हम डिस्कस करेंगे पूरा मॉडल, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर। ये एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला था कि 8x22 का एक प्लॉट बनाकर सर मुझे दीजिए, तो उन्हीं के कहने पर मैंने ये वीडियो बनाया है और ये प्लॉट का साइज पूरा डिजाइन किया है। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार, मैं हूं दोस्तों पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। और यहाँ पर आपको बहुत सारे घर के नक्शे मिल जाते हैं, अगर आपको कोई प्लॉट है या कुछ भी है, जैसे कि आप देख सकते हो 20x35, 20x38, 15x42, 18x25, मतलब मैक्सिमम आपको साइज मिल जाएंगे जो आपका प्लॉट साइज होगा, आप उनको देखकर बनवा सकते हैं और उससे एक आइडिया मिल सकता है आपको। और पूरा डिटेल जानने के लिए आप इस वेबसाइट पर भी आ सकते हैं दोस्तों, smallhouseplan.com, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे घर के नक्शे मिल जाते हैं, पूरा जो भी आपका प्लॉट साइज होगा सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों, अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो चलो आज हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हम इस प्लान को। तो सबसे पहले आपको इसको ट्रांसपेरेंट करके दिखाऊंगा दोस्तों, जैसे आप ट्रांसपेरेंट करेंगे इस मॉडल को तो आपको ऊपर से नीचे तक पूरा तीनों फ्लोर दिख जाएंगे और अंदर क्या रखा है जो भी है सब कुछ आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो ये तो ट्रांसपेरेंट हो गया, अब इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करके हम ग्राउंड फ्लोर को डिस्कस करेंगे, ग्राउंड फ्लोर पर क्या क्या रखा है मैंने। तो अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो आप जैसे आते हैं, इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो 8 फिट है और लंबाई की बात करें तो 22 फिट है। तो जो पीछे का रूम है दोस्तों ये 9x8 का, 9 है लंबाई और 8 फिट है इसकी चौड़ाई। आप इसमें दीवारें निकाल देंगे तो अप्रॉक्स 7.5 फिट का आपका रूम चौड़ाई में निकलेगा और 8 फिट लंबाई में। और इसके बाद आप जैसे 9 फिट बाहर निकल जाता है तो 11 फिट का ये पोर्शन बचेगा। 11 फिट में मैंने ये जो आप देख रहे हैं 4x5 का आप इसको किचन बना सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लेटरिंग अंदर बनाते हैं तो आप जीने के नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। यदि आप ये जीना, ये जो सीढ़ी बनी है स्टेयर्स, इसको अगर आप बाहर से अरेंज करते हैं तो आपकी जगह बहुत सारी बच जाएगी, यहाँ पर आपका किचन और बाथरूम दोनों चीज़ें बन जाएंगी और लेटरिन भी एडजस्ट हो जाएगी। बट यदि आप जीने को अंदर रखते हैं तो आपका ये किचन आप इसको बना सकते हैं और जीने के नीचे लेटरिंग बनेगी बहुत ही छोटा सा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके बाहर थोड़ी जगह ज़्यादा है तो आप राउंडेड स्टेयर से चढ़ा सकते हैं, गोल वाली सीढ़ी जो होती है उसको आप लगा सकते हैं और आपका ये स्पेस खाली हो जाएगा और ये आपका एक रूम निकल आएगा। अगर सपोज दैट आप इसको लेटरिंग बनाते हैं तो आप के अपने रूम के अंदर भी किचन बना सकते हैं छोटा सा, क्योंकि स्पेस बहुत ही कम है तो इसमें सारी चीज़ें आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, या तो आप फर्स्ट फ्लोर पर मूव करें तभी आप इसको बना पाएंगे। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, अब हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर की। तो ये फर्स्ट फ्लोर आपको ऐसा दिखने वाला है सब फ्रंट से, अगर हम बात करेंगे डिजाइनिंग बनाया, एक विंडो दिया है मैंने और यहाँ पर जैसे आप ऊपर आते हैं तो सीढ़ी के माध्यम से, जैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो यहाँ पर मैंने 2 रूम्स दिए हैं। जैसे आप स्टेयर से ऊपर आएंगे तो पीछे वाला रूम सेम टू सेम है और आगे वाला जो रूम था मैंने 3 फिट का छज्जा निकाला, इसके बाद ही आपका 7 फिट का एक रूम बन पाएगा। और ये 7 फिट का जब रूम बन जाते हैं दोनों, और इसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऊपर अपना किचन भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ आपका जो जीना है सीढ़ी था उसको मैंने ढक दिया है और ये आप पूरा मॉडल देख सकते हो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक फ्रंट आपका कैसा दिखने वाला है। तो ये पूरा मॉडल था, मैंने डिस्कस किया आप इसका दोस्तों, अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन देखना है तो आप आ सकते हैं इस वेबसाइट पर। जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो 8x22 हाउस प्लान, इस पर रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो पूरा हाउस प्लान ओपन हो जाएगा। इसका ग्राउंड फ्लोर क्या है, इसका एग्जैक्ट मतलब की डायमेंशन क्या है, आप देख सकते हो रूम कितने बाई कितने का, ये एरिया कितने बाई कितने का, तो यहाँ पर पूरा आपको एग्जैक्ट चीज़ें मिल जाती हैं, सेकंड 2D व्यू एंड 3D व्यू बोथ। अगर हम बात करें ये फर्स्ट फ्लोर का है, 8.8 आपका अप्रॉक्स ये रूम है और 7.5 का ये रूम है, पूरा डिजाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सब कुछ देख सकते हैं। और यदि आपको और भी कोई मॉडल चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आपका मॉडल डिजाइन करूंगा जितनी पॉसिबिलिटी हो सकेगी। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब